पठानकोट एयरबेस में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन, अब तक मारे गए 5 आतंकी। आज रक्षा मंत्री करेंगे एयरबेस का दौरा, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी होंगे साथ। भारत ने पाकिस्तान को दिया आतंकी हमले के सबूत, एनएसए डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए जांजवा से फोन पर की बात, कहा आतंकियों के खिलाफ जल्द हो एक्शन। शारदा घोटाले में सीबीआई ने किया चिदंबरम की पत्नी नलिनी का जिक्र, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया नाम, लेकिन केस में नलिनी आरोपी के तौर पर शामिल नहीं। कोटा में छात्र की आत्महत्या के मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कोटा कलेक्टर, एसपी को जारी किए नोटिस। कोर्ट ने कहा एजुकेशन हब बनता जा रहा है सुसाइड हब। वसुंधरा कैबिनेट की बैठक आज, जल स्वावलंबन अभियान और विरल पावर प्लांट पर हो सकती है चर्चा, शाम 4:30 बजे होगी बैठक। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 200 से ज्यादा मकानों को कब्जे में लेकर जड़े ताले, मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात, मकानों को रेनोवेट कर 3 महीने से निकालेगा लॉटरी। बीकानेर में अतिक्रमण, प्रशासन हुआ सख्त, सिटी कोतवाली इलाके में चला पीला पंचायत, दुकानों और मकानों से हटाए गए अवैध कब्जे। पाली में किसानों के अरमानों पर फिरा पानी, नेहड़ा बांध में रंगी तेजाबी पानी जाने से किसानों की फसलें हुई बर्बाद, आनंद फानंद में सिंचाई विभाग ने खोले बांध के गेट। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज के एक्ट्रेस को मानते हैं ज्यादा प्रिपेयर्ड, फिल्म वजीर के प्रमोशनल इवेंट में कहा नई पीढ़ी से बहुत कुछ सीखने को मिला।